कैसे लगी सर मूवी आपको? बढ़िया, अभी तो अच्छी लग रही है। अच्छा, मूवी का फर्स्ट पार्ट देखा आपने? हाँ। तो उससे बेटर है या फिर नहीं? अच्छी है, बहुत अच्छी है। अभी तो चल रही है, अभी तो पता चलेगा, अभी मेन सीन में खत्म किए। ठीक है, बाकी मतलब कॉमेडी, सस्पेंस, डायरेक्शन, हॉरर कैसा है? फनी बहुत है और हॉरर भी बहुत है, दोनों फनी और हॉरर अभी तो बहुत चल रहा है। मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि राजकुमार राव पूरी की पूरी गाड़ी अपने कंधों पे लेके चल रहे हैं? राजकुमार राव और पंकज त्रिपाठी, पंकज त्रिपाठी की बहुत अच्छी एक्टिंग है। हाँ। और राजकुमार राव भी। और स्त्री की एंट्री हो गई है? स्त्री की एंट्री हो गई है। तो मतलब कैसा लग रहा है, मतलब कि जो डायरेक्शन है, जो स्क्रिप्ट है, वो मतलब एंटरटेनमेंट कर रही है या फिर नहीं? एंटरटेनमेंट तो बहुत कर रही है, एंटरटेनमेंट बहुत कर रही है, और ऊपर से डरावनी थोड़ी बहुत है, ज्यादा नहीं है, लेकिन है बहुत अच्छी। अच्छा, CGI VFX कैसे? VFX जब डरावनी में VFX बहुत अच्छे। अच्छा, मतलब अभी तक 10 आउट ऑफ कितने स्टार देंगे? आउट ऑफ 10 कितने स्टार देंगे? 8। थैंक यू सर। कैसे लगी मूवी आपको अभी तक? बढ़िया बढ़िया मूवी है। मतलब बढ़िया क्या लगा? स्त्री वन देखी आपने? कम से कम फैमिली के साथ बैठ के देख सकते, फैमिली एंटरटेनिंग है। मतलब है ना, राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी, श्रद्धा कपूर, तीनों में से बेस्ट एक्टिंग किसकी लगी? राजकुमार राव और अपना पंकज त्रिपाठी है ना, ये एंटरटेन करते हैं, नेचुरल एक्टर है, नेचुरल करते हैं। मतलब आपको क्या लगता है, मतलब स्त्री वन से बेटर थे या फिर नहीं? स्त्री वन से बराबर, मतलब दोनों एंटरटेनिंग थे, दोनों एंटरटेनिंग थे, है ना। तो आपको क्या लगता है, मतलब कि इस बार ये फिल्म पहली वाली फिल्म से ज्यादा अच्छी है? अच्छी है और ज्यादा चलेगी। अच्छा, चलेगी। आउट ऑफ 10 सर? 8.5। ये आपको फिल्म ये बताइए, अच्छी 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 है। सबसे अच्छा किरदार किसका लगा आपको? पंकज त्रिपाठी जी का। पंकज त्रिपाठी का? राजकुमार राव मजा नहीं आएगा? नहीं आ रहा है, आया है। बढ़िया भैया। मतलब आउट ऑफ 10, मतलब आउट ऑफ 10 एक फैमिली एंटरटेनिंग मूवी है, वन टाइम वॉच, मतलब बच्चों के लायक है या नहीं? है, बच्चों के लायक है। मतलब आप किसके लाए थे फिल्म के लिए, मतलब कि राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर या फिर पंकज त्रिपाठी? मैं तो मेरे बड़े भैया ले आए थे, तो उनके साथ आ गया था, आ गए थे। बाकी एंटरटेन कर रही है ना? बेटा कैसी लग रही है मूवी? अच्छी लग रही है। कौन मदद दिला रहा? हंसी आ रही राजकुमार राव को देख के? आ रही है। हॉरर है कि नहीं, डर लग रहा है फिल्म को देख के? हॉरर भी है, कॉमेडी भी है। अच्छा, आउट ऑफ 10 आपको कैसे लगी मूवी? फिल्म बहुत अच्छी है। हम लोग मतलब ये स्त्री का पहले से बहुत बड़ा फैन रहा है। अच्छा, इसलिए हम लोगों ने एडवांस बुकिंग करके फर्स्ट शो देखा है। अच्छा, व्हाट अबाउट डायरेक्शन? डायरेक्शन काफी अच्छा है, मतलब ये डायरेक्टर की सारी फिल्में अच्छी है। पुराना इसका जो हॉरर यूनिवर्स बन रहा है उसको आगे कंटिन्यू किया है। इसमें हमने कुछ जैसे भेड़िया की किसी फिल्म का एक लिंक भी देखा है, तो काफी अच्छा डायरेक्शन। मतलब कि अभी भेड़िया का जो एंटरटेनमेंट है, वो जो लिंक है, वो बता दिया गया है। अक्षय कुमार के कोई कुछ, अक्षय कुमार और वरुण धवन का अभी कोई लिंक नहीं बताया है। इंटरवल तक ये फिल्म काफी अच्छी रही है, प्लस पिछली सारी जितनी भी फिल्में देखी है उनसे कंपेयर करेंगे तो डायरेक्टर ने VFX पे काफी अच्छा काम किया है। और मतलब इतने सस्ते बजट में भी जो VFX पे काम हुआ है वो ऐसे लग नहीं रहा है कि इतने कम बजट में फिल्म बनी। तो आपको क्या लगता है कि पहले पार्ट से बेटर है या फिर नहीं? पहले पार्ट से जो एक्साइटमेंट बना था वो मतलब फर्स्ट हाफ तक तो कंटिन्यू रहा है, और मतलब स्टार्टिंग से लेकर अभी इंटरवल तक एक सीन भी ऐसा नहीं था जब मैं बोर हुआ हूँ या मैंने मोबाइल निकाल करके कुछ और स्क्रॉल किया हो, मतलब पूरी इंगेजिंग है। अच्छा, मतलब आउट ऑफ 10 सर? आउट ऑफ 10 अभी फिलहाल जितनी गई है तो 8.5 में दे सकते हैं। 8.5। थैंक यू सर। थैंक यू। राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर और पंकज त्रिपाठी, तीनों में से किसका किरदार अच्छा लगा आपको? राजकुमार राव का। और पंकज त्रिपाठी और श्रद्धा कपूर अपने जो एक्टिंग उसको जस्टिस कर पाती है या फिर नहीं? कर पाती है। मतलब कि मजा आता है फिल्म के ना, बोर तो नहीं कर रही है? कॉमेडी अच्छा, हॉरर कॉमेडी दोनों मिक्स है। और मूवी के गाने भी अच्छा थे? हाँ, गाने भी अच्छा, मीडियम में। मतलब कि आप किसके लिए आए थे, स्त्री के लिए आए थे या राजकुमार राव भी पंकज त्रिपाठी के लिए आए थे? किसके लिए आए थे? तीनों के लिए आए थे। मतलब कि आउट ऑफ 10 10 में से कितने स्टार देंगे आप? 8। अच्छी थी मूवी। मतलब मूवी के अंदर क्या अच्छा लगा आपको, पंकज त्रिपाठी की एक्टिंग, राजकुमार राव की एक्टिंग या फिर श्रद्धा कपूर की एक्टिंग? सरकटा ज्यादा अच्छा लगा। उनके CGI मतलब ऐसा लगता है उनको देखने के बाद में कि हाँ वाकई में भूत है। अच्छा, वो मूवी की स्टोरी मतलब कैसे लगी आपको, कि कहीं पे बोर तो नहीं कर रही है मूवी? नहीं, कॉमेडी प्लस हॉरर दोनों, जहाँ ज्यादा हॉरर लग रहा है। अच्छा, वो मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक कैसा? शानदार है। मतलब कि आप किस चीज से एक्साइटमेंट होके इस मूवी को देखने आए थे?
वो मुझे तो ज्यादातर हॉरर के लिए देखने आए थे कि हॉरर में क्या है। हॉरर कॉमेडी स्त्री वन देखी आपने? नहीं देखी है, मतलब उसके बावजूद भी आप फिल्मों को देखना है इतनी रात में, कहीं ना कहीं तो एक्साइटमेंट होगा ना। हॉरर मतलब इस फिल्म में सर गड्ढे का जो था, है ना। आउट ऑफ टेन सर? एट। थैंक यू सर। सर कैसे लगी मूवी आपको? अभी तक तो बहुत अच्छी जा रही है, आगे देखते हैं। सबसे अच्छा क्या लगा आपको अभी तक? श्रद्धा कपूर की एंट्रेंस दूसरी बार। हाँ, और तमन्ना भाटिया की? अभी नहीं आया। अभी नहीं आई हो? अभी आएंगे तब देखते हैं। अच्छा, पंकज त्रिपाठी सर का काम कैसा लगा? पंकज त्रिपाठी सर तो हमेशा अच्छा काम करते हैं, वो तो लेजेंड है ना। बाकी बात करें स्टोरी की, तो स्टोरी कहीं पे आपको बोर तो नहीं कर रही है? नहीं, अभी तक तो नहीं कर रही है बोर, है ना। और राजकुमार राव को देखने के बाद में आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये फिल्म राजकुमार राव अपने कंधों पे लेके चल रहे? लग तो रहा है, बट सेकंड हाफ में लग तो श्रद्धा कपूर ज्यादा ओवर। अच्छा, और इसके अलावा आप क्या कहना चाहेंगे फिल्मों को अभी तक जो आपने एनालाइज करा है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपको सेकंड हाफ के बाद बताता हूं, आप मुझे यही किनकिरा नहीं करूंगा, सीधे से बात अपन करते हैं। मूवी एंटरटेनिंग है या नहीं, पैसा वसूल है या नहीं? है। आउट ऑफ टेन सर? नाइन। नाइन, थैंक यू सर। कैसे लगी मूवी आपको? बहुत ज्यादा फनी और बहुत अच्छी। फर्स्ट पार्ट देखा आपने मूवी का? हाँ, फर्स्ट पार्ट। उससे एंटरटेनिंग है या फिर नहीं? है, बहुत ज्यादा अच्छी और बहुत फनी मूवी है, बहुत मजा आया देख के। अच्छा, आप एक्साइटमेंट होके आए हैं इस मूवी को, तो किसके लिए? राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर या फिर कोई पर्टिकुलर? वो नहीं है, पर स्त्री वन देखी थी वो भी बहुत अच्छी थी, और टू देखी तो वो भी बहुत अच्छी है। मतलब फर्स्ट पार्ट में इतने टाइम बाद बॉलीवुड ने इतनी अच्छी मूवी लेके आया। अच्छा, पंकज त्रिपाठी जी का किरदार कैसा है? बहुत अच्छा, उनका तो बहुत फनी रोल था। और व्हाट अबाउट डायरेक्शन? डायरेक्शन अबाउट व्हाट, मतलब कैसी है डायरेक्शन? कैसी है? बहुत अच्छी है, सबको देखनी चाहिए। अच्छा अच्छा। हाँ। और आउट ऑफ 10 मैम? 10 आउट ऑफ 10। थैंक यू मैम। सबसे अच्छा किरदार तो सबका ही है वैसे तो, मतलब कि सबने इक्वल अभी तक काम करा है। सर कटे का काम कैसा था? सर कटे का काम तो ठीक है, सर कटे का तो कुछ, हाँ अभी कुछ नया है उसमें, मतलब कि हॉरर जर्नी कॉमेडी सस्पेंस क्या बताया, दमदार लगता है या फिर नहीं? अभी तक तो दमदार था, अभी आती बच्ची है देखते हैं। अच्छा, मूवी देखने के बाद में आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि कहीं से भी गाने आ रहे हैं, कहीं से भी एक्शन आ रहा है, सस्पेंस कहीं से भी घुसाया जा रहा है? आई डोंट नो, नहीं अभी तक तो ऐसा नहीं लग रहा, ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है। मतलब कि जिस तरीके से स्त्री वन थी उससे बेटर देन है या फिर नहीं? अभी तक तो बेटर है उससे, बेटर है उससे। आउट ऑफ 10 कितने देना चाहेंगे सर आप? 9। थैंक यू सर। बाकी तो आपने डेडपूल पहले वाले पार्ट देखे हैं इसके, तो उनसे बेटर लग रही है या फिर नहीं? नहीं, काफी अच्छी है सर, बाकी मतलब कंपेयर नहीं कर सकते, कंपेयर नहीं कर सकते, पर वुल्वरिन की वापसी इसमें काफी अच्छी लग रही है। अच्छा, दूसरे पार्टों से जोड़ी है इस मूवी को? इसमें क्या है कि वुल्वरिन की हिस्ट्री थोड़ी बताई है कि वो मर गया था, उसको वापस इसमें लाया है, तो वो आउट ऑफ 10 सर? आउट ऑफ मतलब 9। थैंक यू।